अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। सर से हाथ से रख गया है, इसी साल इलेक्शंस होंगे, 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुल्क की सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कौमी हुकूमत की बातें वगैरह वगैरह, ये सब के सब नाज़रीन दम तोड़ गई हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे कोई मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब से कोई डील नहीं हो रही है, डील की बातें कयास सराइयाँ हैं, मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद बातें हैं। जो डील की बातें कर रहा है, ये सवाल उसी से पूछें कि मुहरकात और डील के सबूत हैं क्या आपके पास, डील कर कौन रहा है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बड़ा वाजे 2 टॉक मौकफ दिया है, कह रहे हैं कि फ़ौज हुकूमत का मातहत इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग फेक न्यूज़ से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, ये पहले भी नाकाम हुए हैं, आइंदा भी नाकाम होंगे। सुनिए ज़रा क्या कहा DGISPR ने। What is the evidence कि कोई डील कर, speculations हैं, कयास आ रही हैं, absolutely baseless speculation। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, इसको जितना कम इस पर बहस की जाए उतना हमारे मुल्क मफाद में बेहतर है। सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है, तो अल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्वियंट इदारा है, उनके अहकाम के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज इट। इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। शाम को TV प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेज से भी वाकिफ हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रुथ्स, फेक न्यूज़ और मन खड़क झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ हैं, ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम और इस रिश्ते में दरार डालने की तमाम कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी। तो इस बड़े वाजे मौकफ के बाद नाज़रीन डील के अरमानों पर तो ओस पड़ गई। नून लीग और JUI ने कराची की जमातों से यहाँ पर रबते शुरू कर दिए हैं। शहर कायद में दोनों चीज़ें बड़ी अजब हुई हैं कि यहाँ पर एक तो सर्द फ़जाएँ हैं और यहीं पर ही सियासी मौसम गर्म हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, एहसन इकबाल साहब MQM के मरकज़ पहुँच गए हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना साहब ने क्या कहा है, ज़रा ये सुनिए फिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। PDM का सरबरा मैं हूँ, मेरे वो कॉम्पोनेंट हैं और सबसे बड़ी जमात हम उनको समझते हैं अपने इत्तेहाद में। इन चीज़ों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है और न ही उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपकी मीडिया के ज़रिए से अफवाहें गर्ज करती हैं, हमारे कानों को भी बात लग जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि अगर मेरे नौजवान सहाफ़ी को इसका इल्म है तो फजल रहमान को इसका इल्म क्यों नहीं है। तो मेहमानों में मौकफ़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से मैंने मेहमानों को ज़हमत दी है। जावेद अब्बासी साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी। इसके साथ साथ फारूक हबीब साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे, आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार। जावेद अब्बासी साहब, ISPR के इस बयान को कि नवाज शरीफ साहब से कोई डील नहीं हो रही है, नून लीग अपने मौकफ़ की फतह कह रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब के, ये बात DGISPR साहब ने वाजे कर दी है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सियासत में घसीटा ना जाए, तो फिर जावेद अब्बासी साहब यहाँ क्यों हर लीगी जलसे में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर नारे लगाते हैं आप लोग? सर हुकूमत के खिलाफ मुहिम में भी उन्हीं को दरमियान में लाया जाता है आप लोगों की तरह, आप लोगों की तरफ से अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आज जो मुस्लिम लीग हर टॉक शो में कह रही थी कि ना हम कोई डील करने जा रहे हैं, ना कोई डील होगी, ना हम डील मांगेंगे, उसका क्लियर मौकफ आ गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाए, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की नफी हुई है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरी नजर में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में कही है कि डील हो रही है, उन्होंने अपने बाग जो स्पोक्समैन है उनकी मीटिंग में कही है कि डील मांगी जा रही है और डील होने जा रही है। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज जवाब दें कौन को,
कि ये उन्होंने किस बुनियादों पर ये इल्जाम लगाया था, वो हमें सबको पता था कि वो इल्जाम लगाते हैं, ये इल्जाम है, कभी इसमें सच्चाई नहीं हो सकती। लेकिन आज क्लैरिटी में जब जवाब दिया गया है ISPR की तरफ से, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो अफवाह फैलाई हुई थी, जो उनके स्पोक्स मैना ने अफवाह फैलाई हुई थी, जो हर वक्त मीडिया टॉक में आकर ये बात करते थे कि जी डील हो रही है, फलां हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ है, जबकि DGISPR इसी में, जिस मौकफ की सर आप जिसको आप अपनी फतह कह रहे हैं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। सर मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, कोई मसला नहीं है ताल्लुकात में। सर मैंने ये नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ है, मेहरबानी करके आप ये मिसकंस्ट्रू ना करें मेरे वर्ड्स। मैंने कहा कि ये जवाब है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डील की बात की थी, उन्होंने जवाब दिया कि ये डील कोई नहीं है, ना डील करने की जरूरत है, ना किसी ने डील मांगी है ना मांगेगा। मैंने खिलाफ का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम तो हर हमारे तमाम टॉक शो आप निकाल के लेके, मैंने आपके टॉक शो में कभी हर वक्त हम ये कहते रहे कि कोई डील नहीं होने जा रही, कोई हम डील पाकिस्तान की आवाम से करेगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो फौरी तौर पर। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत का खात्मा होगा फौरी तौर पर। क्यों कहते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया गया है, जो IMF के पास सिलेंडर कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के लोग हर जगह खवातीन और बच्चे चिल्ला चिल्ला के निकल रहे हैं, जहां पूरे पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग है, बिजली के मसाइल हैं, महंगाई का तूफान खड़ा है, इससे निजात के लिए हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें हुकूमत दें, हम तो कहते हैं कि इस हुकूमत से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, क्योंकि ये IMF की टीम बैठी हुई है, ये IMF के मुलाजम बैठे हुए हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी चला रहे हैं, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत तारीख ये कर देंगे, और तारीख ऑलरेडी इकॉनमी को बहुत मुश्किलात में फंसा दिया गया। वैसे जावेद साहब, आपने सर जब बात शुरू की थी ना, आपने कहा था कि वजीर आजम के खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ है, देन फिर उसके बाद आपने क्या कहा, आप सर चेक भी कर लीजिएगा। वेल सर, DGISPR ने कहा, जावेद साहब सवाल भी इंक्लूड कर लें साथ, DGISPR ने कहा कि कुछ अरसे से हुकूमत और इदारों में खलीज पैदा करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, और ऐसी तमाम सरगर्मियों से वो आगाह हैं, बल्कि लिंक्स से भी वाकिफ हैं। नून लीग और JUIC ज्यादा शायद इस हुकूमत और इदारों के दरमियान ताल्लुकात पर किसी ने तनकीद नहीं की। जावेद साहब, बिल्कुल नहीं, हम इदारों की इत्राम करते हैं, हमने हुकूमत की पॉलिसीज पे इख्तलाफ किया है, पार्लियामान के अंदर भी करते हैं, पार्लियामान के बाहर भी करते हैं, जहां मौका मिलेगा आपके टॉक शो में भी करते हैं, और कभी हमने अदारे को नहीं शामिल किया ना कहा है। हमने ये जरूर कहा है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हमारा हक है जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है कि यहाँ इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैनेजमेंट होती रही है पाकिस्तान के इलेक्शन में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आइंदा के लिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये मुल्क के इंटरेस्ट में। हम कहते हैं कि आइन की पासदारी हो, हम ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। हम कहते हैं कि जमहूरियत की कंटिन्यूटी बाकी रहनी चाहिए, ये मुल्क के इंटरेस्ट में। और हम वही बात करते हैं जो आईने पाकिस्तान हमें बताता है, जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सारे अदारे अपने अपने एम्बिट में रहकर काम करें, पार्लियामान में आजादी हो, पार्लियामेंट पूरी तरह अपना फंक्शन करे, वो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव के नीचे जो अपना अपना काम करे। अगर ये डिमांड कोई करता है तो ये आईनी डिमांड है, इसका हमें एहतराम करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि अगर सारे अदारे इसका एहतराम करें। आप इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप ही के जलसों में सर एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर आप लोग नारे लगाते हैं, फिर राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं KP के इलेक्शन के रिजल्ट से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब हुकूमत के सर से हाथ हट रहा है या हाथ नहीं है, फिर मरियम साहिबा कहती हैं एक तरफ कि एक सफ़े के परख्चे उड़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं या देंगे, वो तो कह रहे हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला ही नहीं है। सर बिल्कुल, देखें एक बात है, पाकिस्तान की आवाम, इस मुल्क की इकानमी आज हमारी नजर में और मेरी जाती नजर में सबसे बड़ा सिक्योरिटी का जो मसला है वो इस मुल्क की इकानमी है। अगर मुल्क की इकानमी डूब रही हो, मुल्क की इकानमी की ये हालत हो जो आज हो रही है, महंगाई इस तरह हो कि लोग खरीदने के लिए मुश्किलात उनके ऊपर हो, आपकी जो एजेंसीज हैं जहां से आपने लोन लिया है, लोन की एजेंसीज IMF की तरह, वहां अगर आप अपनी सालमियत सिलेंडर कर लेंगे तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है हमारी नजर में। लिहाजा आपने दुनिया के कई ममालिक देखे कि मिलिटरली और वैसे वो बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन इकोनॉमिकली कमजोर हुए उन मुल्क का। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के साथ कोई ऐसा अशर हो, लेकिन हम जरूर वॉर्न करते हैं, और हम ये कहते हैं कि सारे अदारों को, हमें यकीन है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की पूरा तदारक है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बहुत नाजुक सूरत हाल में जाकर इन्होंने पहुंचा दी है, तो वो भी ये बात जरूर सोचते होंगे, क्योंकि हम सब सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। इस तनाजर में हम जरूर बात करते हैं कि इस हुकूमत ने ना सिर्फ इस मुल्क की जो इकानमी है उसको तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है,
इस मुल्क की सियासत को भी बड़ा आलूदा कर दिया गया है। आज बैठने का माहौल नहीं रहा। जब शहबाज शरीफ साहब ने पहले सेशन में कहा था कि आओ मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये मजाक उड़ा रहे थे, ये कह रहे थे ये डील करना चाहते हैं, ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, और कल हम कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस में ये फंसेंगे। और वो बता रहे थे कि कुछ होने वाला है और उनकी मुस्कुराहट से ये महसूस किया जाए कि कैसी मुलाकात रही है आपके जो दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है उनकी जानिब से जनवरी फरवरी मार्च के बारे में बातें की जा रही है, मार्च से पहले कुछ होने जा रहा है, वो खबरें कहाँ से लाकर दे रहे थे सर? ये तो उनसे ही आप पूछें, वो ही जवाब दे सकते हैं। इतना हमें जरूर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं इकॉनमी के, जो गवर्नेंस के इशू है, जो करप्शन के बड़े बड़े आटे का देख लें, पेट्रोलियम का देख लें, चीनी का स्कैंडल देख लें, उनकी मौजूदगी में अब इनके लिए हुकूमत करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये पाकिस्तान का संभाला नहीं दे सकते इस इकॉनमी को। इन्होंने डॉलर आप देख लें आज कहां पहुंच गया, प्राइसेस आप देख लें। ये तय हो गया है कि अब स्टेज पर जितनी सख्त बातें आप लोग कर रहे थे पिछले दिनों पिछले साल उतनी सख्त बातें उस तरह से बातें अब नहीं होंगी, उस तरह से नाम ले लेकर नारेबाजी नहीं होगी सर, उस तरह से ताने तुष्णे नहीं होंगे सर, कुछ बेहतरी आ गई है, मामला बेहतर हो रहे हैं। अब हम चाहते क्या है, मैंने फिर एक्सप्लेन करूं, इस मुल्क के अंदर एक आईन है, आईन पाकिस्तान में हर एक की पोजिशन और अदारों की डिफाइन कर दी गई है, पार्लियमान का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो अदारे उनका क्या काम होगा, जुडिशरी का क्या काम होगा, मीडिया का क्या काम होगा, हम सब के लिए पार्लियमान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे दायरे जो है मुतय्यन कर दिए। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि सारे अदारे अपना अपना काम करें। अगर आज पार्लियमान को दूसरे अदारे की पोजिशन लेने की कोशिश करे तो ऐसा काम नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि सारे अदारे आईने पाकिस्तान के अंदर जिस जिसका जो रोल है वो प्ले करें। सारे अदारे काम कर रहे हैं अपना, ये यही ख्वाहिश है हमारी और यही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अभी अभी हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कि यही ये क्यों मैं ये कहूँ कि नहीं हो रहा, होना चाहिए, यही ख्वाहिश है हमारी, यही आईने पाकिस्तान का हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा सर, ये तो कहें आपके हो रहा है या नहीं हो रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज की बात तो कल मैं बता सकता हूँ ना, ख्वाहिश यही है कि होना चाहिए, हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए, और हम हमेशा बेहतरी की ख्वाहिश रखते हैं। आप नहीं रखते कि अदारे हर अदारे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके अदारे में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो अगर कई भलाई के लिए हम सारे कोशिश करें, इस मुल्क के लोगों के लिए हम सारे भलाई कर सकें, बेहतरी कर सकें, उनकी जिंदगी में आसान सर कर सकें। एक और इशू भी है अब्बासी साहब, एक और इशू भी है जिस पर मैंने बात करनी है आपसे। वजीर आजम फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को वेलकम कर रहे हैं, हालांकि माजी में जब भी हुक्मरानों के खिलाफ तहकीकात हुई है तो हमें ऐसा रवैया तो सर देखने को नहीं मिला। पानामा केस में जब मियां साहब के खिलाफ तहकीकात हुई तो नून लीग का रद्द अमल क्या था, वो जरा आपके लिए भी और आवाम के लिए भी वो याद दिला देती हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वजीर आजम साहब को आज उनके पास जब चॉइस नहीं रही, वरना कोई 50 से ज्यादा दफा ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ना जाते। ये 2014 में केस शुरू हुआ है, इनके पानी रुकने शुरू किया है, एक महीने के अंदर अंदर ये सारा रिकॉर्ड वहां जाते, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे, कभी हाई कोर्ट के पीछे छुपे, कभी सारे की जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया है, कभी इन्होंने कहा कि ये सुन नहीं सकता, कभी इन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी, ये अदालतों ने यानी जितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने दफा ये गए, ये तारीख में किसी केस को इतना बड़ा लंबा नहीं किया गया। कल भी इनके वकील ने मिन्नतें की हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की कि इस रिपोर्ट को नशर न करें, इस रिपोर्ट को मत जारी करें, जब इनके पास कोई चारा नहीं रहा। अब ये क्या कहते, सच्चाई सामने आ गई है। उसका भी रीजन दिया ना कि सारी पार्टीज का इकट्ठा जारी करें रिपोर्ट। जी मेरी आप पर मेहरबानी करके, किस तरह सारी पार्टी की, इनके खिलाफ 2014 में कोई पार्टी नहीं गई थी, इनके बानी रुकन गए थे, हमारे खिलाफ तो 2017 में फरक अबीब साहब ने एक सादा एप्लीकेशन डाल दिया है, कोई सबूत नहीं डाला, कोई चीज साथ नहीं डाली, कोई एविडेंस इनके पास नहीं है। इन्होंने ये सिर्फ काउंटर क्लेम करने के लिए 2017 में जब सारी अदालतों से ये हार चुके थे, इन्होंने कहा कि आप इनको भी नथी कर लें, हमारा केस वहां मौजूद है, हमारी बिल्कुल अकाउंट ठीक है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि 10 दिनों में हमारा भी देख लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। कल स्क्रूटनी कमेटी ने यह साबित कर दिया है कि इमरान खान जो स्टेटमेंट दी थी वो मिस डिक्लेयर किया है, उन्होंने अकाउंट नहीं बताया, वो मिस डिक्लेरेशन का केस है, और आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या क्या जजमेंट आ चुकी है मिस डिक्लेरेशन के ऊपर। लिहाजा उनके पास जब कोई चॉइस नहीं बची, हाँ वो मुल्क के वजीर आजम थे, जब वो वजीर आजम बने
उसी दिन वो कहते कि एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन हमारे केस का फैसला करे। उन्होंने पूरी कोशिश की। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बास, शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, फारूक हबीब साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुश आमदीद कहती हूँ फारूक हबीब साहब आपको। सर ये शेख साहब आज फिर कह रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि उनके सर के ऊपर किसी का हाथ हो। आप अगर डी जी आई एस पी आर की बात सुनते हैं, वो कहते हैं भाई हमें इन मामलों से दूर रखा जाए, हमें सियासत से दूर रखें। आपके वज़रा को फारूक हबीब साहब ये बात समझ नहीं आ रही है, वो सियासत नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि उनके साये तले सियासत हो, क्या कह रहे हैं आपके वज़रा? शेख रशीद साहब भी आज बात करें दोबारा। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ ये तो कंपैरिजन ही नहीं है ना, ये तो ना कोई कंपैरिजन है ना कोई बात है ना इसमें कोई हकीकत है। शेख साहब अगर वो बात कर रहे हैं तो पता नहीं किस तनाजुर के अंदर बात कर रहे हैं। हर एक का जो है वो एक अपना आईनी और रोल है, और आईनी रोल के अंदर पाकिस्तान का हर इदारा जो है वो अपना काम करता है। जो ये तो आप उनसे पूछें जो वोट को इज्जत देने की बातें कर रहे थे, अब वो इस किस्म की जब बातें करते हैं तो फिर उसके ऊपर उन्हीं को आके जवाबदेह भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत तो अपनी तरजीहात के ऊपर काम कर रही है, वो अपना काम जारी रखेंगे, और वजीर आजम साहब तो जो है वो 22 साल जद्दोजहद के बाद मुंतखब होकर आए हैं और 1,70,00,000 वोट लिए हैं, आवाम की ताकत से आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई डिस्कशन की भी कोई गुंजाइश है। अच्छा अभी अभी यहाँ मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं, जब वो इनफैक्ट सऊदीया गए थे उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन वो डील के बगैर वापस नहीं आए थे। नून लीग वाले कह रहे हैं कि मियाँ साहब मार्च से पहले आ जाएंगे। डी जी आई एस पी आर कह रहे हैं नवाज शरीफ से डील नहीं हो रही है। बड़ा ही सादा सा फारूक साहब मेरा सवाल है, माने किसकी? देखें बुनियादी तौर के ऊपर तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप ये देखें कि नवाज शरीफ मार्च में क्यों आते हैं, अभी आज ही आ जाएं। वो तो अदालती इश्तिहारी हैं, अदालत से जमानत लेके गए थे मुल्क से बाहर, और इलाज करवाने गए थे, इलाज तो उन्होंने करवाया ही नहीं, तो बाहर वो किस बात का बैठे हुए हैं, किस कानून के तहत बैठे हुए हैं? उनकी तो अदालत ने सजाएं भी बहाल कर दी, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके पास, उन्हें वापस आना चाहिए। डील का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, डील तो ये वो बताएंगे ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर मार्च में आ रहे हैं, उससे पहले तो खान साहब कह रहे हैं कि वो पहले भी आए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि वो जब पहले वापस आए थे तो वो डील के करके आए थे वापस, यही बातें तो की जा रही है अभी। देखें ये तो एक तारीख है ना, उनकी तारीख है। मुझे आप ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ के पांव पकड़ के घुटनों को हाथ लगा के 10 साल का वादा करके ये लोग बाहर गए थे, फिर ये किस बात की वोट को इज्जत देने की बात करते हैं? एक बयानिया ले ले ना पीएमएलएन, क्यों कंफ्यूज है? एक साइड पे आ जाए, अगर उन्होंने वोट को इज्जत देनी है तो वोट को इज्जत दे लें, अगर उन्होंने नोटों को इज्जत देनी है। जब गए थे अभी इलाज की गर्ज से, तब किसके पांव पकड़ कर गए थे? देखें देखें जिसके भी पांव पकड़ के गए थे बुनियादी तौर के ऊपर, तो उस वक्त एक सिनेरियो जो क्रिएट हुआ वो आपके सामने, किसी से ढका छुपा नहीं है। रोजाना प्लेटलेट्स की कहानी, प्लेटलेट्स काउंट्स आ जाया करते थे, अब तो सब अच्छा है ना, अब तो प्लेटलेट काउंट्स का भी मामला खत्म हो गया, अब तो डॉक्टर दहान भी वापस आ गए। आपका पैनल था पूरा, लेकिन फिर उसके बाद वजीर आजम साहब ने, आपके वजीर सेहत ने, सबने ये कहा कि जाली रिपोर्ट्स करवाई थी, जाली मामला सारे हुए, वो प्लेटलेट्स काउंट तक जाली थे, फिर वो चले गए, तो वो किसके पाँव पकड़ के गए थे, कैसे चले गए थे सर? नहीं देखे बात ये है, जमानत तो अदालत ने दी थी ना इलाज करवाने के लिए उनको, हमने तो शॉर्टी बॉन्ड रखा था, वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की नजर हो गया, तो अब आए ना वापस, क्यों नहीं आते? अच्छा चले अगला सवाल कर लेती हूँ, मुझे कहिए डी जी आई एस पी आर ने कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग इदारों और शख्सियात को निशाना बना रहे हैं, फर्क ये कौन लोग हैं? क्या इसमें कुछ सियासी अनासर भी शामिल है? देखिए वो तो उसका सारी बात है, अगर उन्होंने बात की है तो वो अगर किसी का नाम ले देते तो बात और आसान हो जाती, लेकिन ये तो है कि अच्छा। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर नाफिज की गई हुई है, वॉर ऑफ ओपिनियन है, और जो पाकिस्तान के इदारे हैं खासतौर पर जो मुल्की सलामती के इदारे हैं, उन इदारों को डिसग्रेस करने के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो झूठी मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहते हैं। अब नवाज शरीफ भी तो उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने, क्या कुछ बातें नहीं की उन्होंने वहां पे बैठ के, ये तो वो इलाज करवाने थे, वहां जाके उन्होंने सियासत शुरू कर दी है, वहां जाके उन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो ये किसी ढकी छुपी बात तो नहीं। जी
तो डीजी साहब जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं मुल्क से बाहर बैठकर जो लोग जो इदारों को और शख्सियात को निशाना बना रहे थे उनको नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं फरुख। नहीं देखिए उन्होंने मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्या बात की है, किसकी तरफ उनका इशारा था। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरे तजिए में है, जो मेरी समझ में है और जो होता भी रहा है। क्या मियां साहब ये बातें नहीं करते रहे, क्या वहां पे बैठ के उनकी तरफ से ये बयानियां नहीं नशर होता रहा। सही, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ आप मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब ने आज खत्ते के हालात और पाकिस्तान की कोशिशों पर भी बड़ी तफसीली बात की है। उन्होंने बताया कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 93% मुकम्मल हो चुका है, उसे लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है। इस बाड़ का मकसद लोगों की तकसीम नहीं है, उन्हें महफूज बनाना है। DGISPR ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी वाजे किया है कि जंग बंदी 9 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी है, मुजाकरात नहीं हो रहे हैं, TTP के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और ये भी बताया है कि TTP से मुजाकरात मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे की सियासी मकासद हैं, वो कश्मीरियों और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। तो इस पर डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ सर। महमूद साहब, कालेदम TTP के साथ मुजाकरात अफगान हुकूमत के कहने पर किए गए, तो अफगान तालिबान क्यों पाकिस्तान की शराइत पर कालेदम TTP को कायल नहीं कर पाए? मेरे ख्याल में अफगान तालिबान अभी कमज़ोर है इस हद तक कि उनका लोकल कमांडरों के ऊपर या जो फार फ्लंग एरियाज है उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल शायद उनको हासिल नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ जो विलायत है, यानी जो तकरीबन प्रोविंसेस को विलायत कहते हैं, कोई 10 विलायतें जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे हैं, तो लोकली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो पिछले दिनों व्हाट्सएप ग्रुपों में दिखाए गए और वो बिल्कुल लोकल है और उसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रॉन्ग स्मगलर ग्रुप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उसके अंदर ये स्मगलिंग जो है, ये ड्रग स्मगलिंग भी है, ये वेपन स्मगलिंग भी है और बाकी आम चीज़ों की भी स्मगलिंग इसमें शामिल है। ये पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक किस्म का कल्चर बना हुआ है और मेरे ख्याल में इस बाढ़ की वजह से उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो उन्होंने लोकल जो कमांडर्स हैं तालिबान के, उनको साथ मिला के ऐसी कोई हरकत की है जिसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हम आहंगी शो की है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और मेरे ख्याल में ये जो बॉर्डर है ये अभी मजबूत हो चुका है, इसको कुछ लोग जो है वो ड्यूरिंग लाइन कहते हैं। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बता दिया कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही कहा जाएगा और इसको कोई लाइन का नाम नहीं दिया जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ड्यूरिंग लाइन, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो कंट्रीज है वो भी ड्यूरिंग लाइन है। तो मेरे ख्याल में इसको लाइन कहकर इसकी कोई थोड़ी सी तजहीक की जाती है, ये इंटरनेशनल फेंसिंग ही है। अच्छा शाह साहब, आज DGISPR ने कहा कालेदम TTP के अंदर भी सर इख्तलाफात हैं, तो ये इख्तलाफात किस नौयत के हैं, कितने ग्रोह हैं इनके अंदर? इसके अंदर तकरीबन 10-11 ग्रोह है। एक इसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुलविस है इन कामों में वो वकारी गुल रहमान ग्रुप है, ये नॉर्थ वजीस्तान के सामने। वरना इसके अलावा जो है 10-11 ग्रुप है वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी जनरल डेफिनेशन ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी दहशत ग्रुप है जिसके अंदर ये दाइश भी शामिल है, IS भी शामिल है और ये TTP भी शामिल है, हम तमाम के साथ एक किस्म की डीलिंग करेंगे। ये मुंह की खाएंगे अगर ये बॉर्डर की तरफ देखते हैं। अच्छा शाह साहब, जिस वक्त ये मुजाकरात का दौर शुरू हुआ था तो उस वक्त इस तरह की भी खबरें आईं कि
तालिबान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया था कि यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हुई हुई हैं उनमें से उनकी रिहाई के लिए, और फिर ऐसी खबरें भी आई कि कुछ लोगों को रिहा भी किया गया, लेकिन आज बड़ा वाज़े तौर पर DGISPR ने बताया कि ऐसी कोई रिहाई नहीं हुई है। सर, ये जो ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, ये किस नुक्ते पर आके मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं पाकिस्तान के साथ? सर, दरअसल जी कोई गलत फहमी थी, अफगान जो तालिबान है उनको ज़्यादा मालूम नहीं है और उन्होंने कहा कि आप इनके उलमा से बात करें। अब ये जितने भी TTP है इसमें उलमा कौन से हैं, ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पर हमने एक सिलसिला शुरू किया, कोई ऐसे इंटरमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो लोग वहाँ से आते हैं जिनको सज़ा नहीं होती वो उनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए वहाँ पर उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसमें से जो फारिग हो जाते हैं उनको छोड़ा जाता है, वो अपने गांव में चले जाते हैं और उनके ऊपर कोई खास तो उनकी रहाई हुई थी। तालिबान हुकूमत ये चाहती थी कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुजाकरात करे डायरेक्ट तालिबान उलमा से, नीचे बीच में से ये निकलना चाह रहे थे सर, TTP के उलमा के साथ मुजाकरात ये चाह रहे थे कि डायरेक्ट बातचीत हो। जी बिल्कुल, उन्होंने जनरली ये टर्म इस्तेमाल किया कि इनके उलमा से बात कर ले, हम तो इनको कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बातचीत थोड़ी बहुत हुई और फिर वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, और मेरे ख्याल में कोई मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे हैं। और जो ये जो कह रहे हैं कि हमने सीज़ फायर किया था या सीज़ फायर कर रहे हैं, सीज़ फायर का क्या मतलब है, बॉर्डर के अक्रॉस क्या मतलब, आप पाकिस्तान फौज के साथ लड़ रहे हैं और आप सीज़ फायर कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है? आप तो नॉन स्टेट एक्टर है और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो और भी बहुत हैं, जिसमें दाइश भी है और IS भी है और दूसरे ग्रुप भी है, तो उनके साथ हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे आप महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, बाद वापस आऊँगी तो गैस बहरान के हवाले से बात करूँगी। गैस बहरान पाकिस्तान में है हम सब जानते हैं और हुकूमत को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं है बल्कि आपके अपने आस पास ही लोग हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। पीपल्स पार्टी के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज़ भी, इनफैक्ट सर्दी और बारिश इसके बावजूद भी जारी है, और सिंध हुकूमत की तरफ से अब तक कोई भी धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, लेकिन तर्जुमान सिंध हुकूमत कह चुके हैं जमात इस्लामी की डिमांड एक आमर के कानून का नफाज है जिसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी अगर चाहती है कि किसी आमिर के कानून को नाफिज किया जाए तो मैं समझता हूँ ये तो इटसेल्फ जमहूरियत की नफ़ी है। बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है लेकिन उसके लिए आपके पास असेंबली का, पार्लियामेंट का फोरम है, हम अवेलेबल है, आइए एंगेज कीजिए, डिलिब्रेट कीजिए, जैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं बेहतर बना लेंगे, लेकिन बताएं तो सही खामी क्या है ये तो बताएं ना। असेंबली के बाहर जहाँ ये धरना हो रहा है वहाँ मैं खुद गई, वहाँ पर लोगों से बातचीत किए, देखिए ज़रा सुनिए। नाज़रीन ये सिंध असेंबली का दरवाज़ा है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ, मेरे अपब में जो नारे दर्ज हैं यहाँ पर तो उससे आप समझ गए होंगे कि मैं अभी क्या बात करने जा रही हूँ। सर्दियों की रातें हैं, ठंडी हवाएं हैं, खुला आसमान है, लेकिन 31 दिसंबर से यहाँ पर औरतें, बूढ़े, जवान, बच्चे मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्या है, धरना क्या है, सिंध असेंबली में, इसी सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2021 का जो बिल है वो मंजूर किया है, वो पास किया है, उसके बाद गो के गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने उसके ऊपर एतराज़ लगाया, वापस भेज दिया, लेकिन
दीगर जमातें हैं जो कराची की, सिंध की, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से इस पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें जमात इस्लामी इस वक्त पेश पेश है जो पिछले 5 दिन से 31 दिसंबर से यहाँ पर धरना देकर बैठी हुई है। कल तो बारिश भी रही, शदीद बारिश होती रही रात भर, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हौसला कम नहीं हो सका। मेरे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप हाफिज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, पिछले 5 दिन गालिबन 31 दिसंबर से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। छठा दिन है आज। हाँ बिल्कुल। तो और हमारी तो सीधी सीधी बात है जी कि भाई ये कानून है, ये गोरा जब हो जाएगा और इसको काला कहना छोड़ देंगे और इसको ठीक कर लें बस। ये गोरा कैसे होगा? ये गोरा ऐसे होगा जब ये इख्तियार आवाम को मुंतकिल करेंगे। हाँ। सारे इख्तियारात छीन लिए। आईन ये कहता है कि इख्तियारात आप बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल करें। अव्वल तो बल्दियाती हुकूमत का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हाँ। सिर्फ इदारे बना दिए और फिर उसके जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे अगर सिंध हुकूमत अपने कब्जे में ले ले जी। तो आवाम तो एम्पावर नहीं हुए। तो हाफिज साहब, ये इस तरह से जिस तरह आप लोग बैठे हुए पिछले 6 दिन से यहाँ पर, इस तरह से ये काला कानून गोरा हो जाएगा? देखिए, जिद्दोजहद करने के मुकल्लफ हैं। हाँ। और हम ये समझते हैं कि हम एक सीरियस एफर्ट कर रहे हैं, हम कोई टोकन एहतजाज नहीं कर रहे हैं। ये धरना नईमुर रहमान के लिए नहीं है, जमात इस्लामी के लिए नहीं है, कराची के 3.5 करोड़ अवाम, सिंध के 6-7 करोड़ अवाम के लिए। आप मुझे बताएं ना कि इन्होंने अगर तमाम इदारों को, KDA, MDA, LDA, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम हॉस्पिटल, तमाम तालीमी इदारे सिंध हुकूमत के तहत कर लिए हैं, तो फिर ये मेयर क्या करेगा? वो तो झाड़ू देने का भी इख्तियार नहीं रखता। पीपल्स पार्टी को आपकी इस एहतजाज धरने से कोई फ़र्क पड़ेगा? ताकत में है, पिछले 6 दिन से आप बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नईम साहब? या फिर मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये आपका भी पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, एंड गो के इससे आपको फ़ायदा तो होगा सर फिर? नहीं, देखें, बात ये है, जमहूरी जमातें जो होती हैं ना, इन सब चीज़ों को मैटर करती हैं कि अगर कोई, देखें ना, अगर हमारा सिर्फ ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होता तो हम एक दिन करते, 6 दिन बाद फिर करते, फिर इस तरह करते। हम तो मुसलसल बैठे हैं ना, कल आपने रात देखा था किस कदर बारिश थी और नौजवान थे जाने के लिए, मैंने उनसे कहा आप चले जाएं, लोगों ने मना कर दिया मुझे। हाँ। आपने देखा हमारी औरतें कितनी बड़ी तादाद में, खवातीन आई कर शहर कराची, बच्चे उनके साथ थे, आज मदारिस के तलबा कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कल स्कूल के तलबा बच्चे आएंगे, बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 40 साल से लोग रूल रहे हैं, उनकी जगहें नहीं मिल रही उनको, वो पूरे पेमेंट कर देते हैं और उनको कब्जा नहीं मिलता। बिल्कुल, आप सारी बातें दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनके आने से क्या सिंध हुकूमत को क्या फर्क पड़ रहा है? अभी तो नहीं पड़ रहा। हाँ। लेकिन उसके बाद जब हम प्लान बी अपना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इनको फर्क महसूस। क्या है प्लान बी आपका? वो अभी मैंने बता दिया, तो फिर राज की बात है ना ये तो। देखिए, प्लान बी सीधी बात है कि धरना एक मरकज बनेगा, एहतजाज पूरे शहर में चलेगा। सही। और अभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाहिर है कि एक सड़क है और उसके ऊपर हर तरह की सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, मौसम की, बारिश, सर्दी मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीकर साहब के मशवरे पर आगे बढ़ेंगे। स्पीकर साहब ने कहा ना कि आप सेक्रेटेरिएट को बंद करें। हाँ। कर देंगे हम बंद इसको भी, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, फिर सीएम हाउस की तरफ जाएंगे। हाँ। सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ आकर चलते हैं, ये मसला सिर्फ इतना है कि ये हमारा कोई शौकिया प्रोग्राम नहीं है। जिस तरह सईद गनी साहब 2001 से 2009 तक बल्दियाती इदारों में मौजूद थे, इस पूरे निज़ाम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उसका फ़ायदा उठाया था, वो ये कहते हैं कि वो अच्छा निज़ाम था। हाँ। फिर उस अच्छे निज़ाम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? अच्छा, आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक मसला और भी, आपको पता है कि 6% से ऊपर कोविड का अब नंबर हो गया है कराची शहर में। इस वक्त आप इतने सारे लोगों की बड़ी तादाद को लेकर बैठे हुए हैं, एक तरफ आप इसी शहर की आवाम के दर्द को महसूस करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कोविड का ये हाल हो गया है, तो सर सिंध हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या आप कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कुछ मौखर कर सकते हैं, या आप जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये कानून तब्दील नहीं होता? कोशिश करेंगे कि ठीक है, यह बात आपकी सही है कि जब लोग आते हैं तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारे पास वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी तादाद है, तो हम इन सबको ये हिदायत कर रहे हैं कि अब हम SOPs को फॉलो करें अपने धरने में, और इन SOPs को फॉलो करते देखें, अब कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। कोरोना की वजह से अब अपना हक अगर छोड़ देंगे तो बल्दियाती इंतखाब लूटा लंगड़ा अंधा बहरा हो जाएगा। आप समेत किसी ने भी SOP को फॉलो नहीं किया हुआ वैसे? हम, मैं 3 वैक्सीन लगा चुका हूँ। अच्छा। दो नहीं। इसलिए मास्क की जरूरत नहीं है आपको? तो इंटरनेशनली भी जो है ना, इस पर दो राय अब कायम हो गई कि मास्क जो है अब जरूरत नहीं रही। हाँ। पूरे ब्रिटिशर्स ने मास्क उतार के फेंक दिया है। हाँ। वो तब हम तो उन्हीं दोनों को ही फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए ये तो खैर एक दूसरी बात है। हाँ, बिल्कुल, टॉपिक से हट रहे हैं। जो एहतियात है वो करनी चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ उलमा भी मौजूद हैं जो कि आ रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, अलामा इकबाल की नज़में यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं, लहू गरमाया जा रहा है, मुख्तलिफ नात खां भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं। इस वक्त जिन लोगों से गुफ्तगू की जा रही है, मुझे यहाँ के मुंतजमीन की जानिब से बताया गया कि ये मदारिस के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, इस एहतजाज में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं।
तो जमात इस्लामी एक सिस्टम को लेकर चल रही है। कल यहाँ पर ख्वातीन का इज्तिमा था, आज मदारिस के बच्चे आए हुए हैं, इससे पहले मर्द हज़रात आए हुए थे। मैं ये समझती हूँ कि वो चाहे जमात इस्लामी हो, JUI हो, कोई भी मजहबी जमात हो या सियासी जमात हो, इस तरह के एहतजाज और धरनों में मदारिस के बच्चों का आना या उनको लेकर आना ये नहीं बनता। उनके साथ सियासत ना की जाए, सियासत को सियासत के तरीके से किया जाए। बहरहाल जी, आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान भर में नाज़रीन गैस का बहरान है, क्योंकि हमारे मुल्क में गैस कम हो रही है। अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में गैस की मकामी पैदावार 30% कम हो चुकी है। हुकूमत तो खदशा जाहिर कर चुकी है कि अगले 10-12 सालों में ये ज़खायर भी ख़त्म हो सकते हैं। अब गैस कम है तो सर्दियों में उसकी लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि आपके घर में गैस नहीं आती है, बल्कि कोई एक ऐसा शख्स भी है जो रोज़ाना आपसे मिलता भी है, सलाम भी करता है आपको, आपके बच्चों को गालिबा प्यार भी करता होगा, लेकिन उसी शख्स ने आपका चूल्हा ठंडा कर रखा है। गैर कानूनी जादूगर मशीन के ज़रिए एक मोहल्ले के चंद घर लाइनमैन से कहलवा कर ये सारा काम करवाते हैं, और फिर बाकी शहरी समझते हैं कि शायद हुकूमत ने ही ये गैस बंद कर रखी है। रेहान अहमद ने बड़ी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा गौर से देखिएगा और फिर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि आपके मोहल्ले में ऐसा कौन है। कभी 2:30 बजे आ जाती है, कभी 4 बजे आ रही होती है, और रात को आती क्या, रात को आती, रात को पकाएंगे? गैस जरा सा भी नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। इस घर की तरह कराची के बेशतर घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि इन घरों में गैस के कनेक्शंस तो मौजूद हैं लेकिन गैस नहीं आती, क्योंकि सारे शहर में मिलने वाली एक छोटी सी मशीन ने इन घरों की गैस खींच ली है। सर्दियों के साथ साथ कराची में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुल्क में गैस तलब के मुकाबले में तो कम है ही, मगर इस बहरान की शिद्दत में इजाफे का सबब गैस फराहम करने वाली कंपनियों की बद इंतजामी से ज्यादा शहरियों का अपना तर्ज अमल है। जो ये कंप्रेसर लगाकर अपने हमसायों के हिस्से की गैस भी खींच लेते हैं। मेरे फ्लैट फ्लोर पे 6 फ्लैट हैं, एक मेरा है, 5 दूसरे हैं, मैं सबकी गैस खींच सकता हूँ। गैस खींच के आप अपने पास ले लें, अपना काम करें। गैर कानूनी होने के बावजूद शहर के हार्डवेयर स्टोर्स इन कंप्रेसर से भरे पड़े हैं। इन कंप्रेसर की फरोख्त इतनी तेज हो चुकी है कि अब ये दुगनी कीमत पर भी दस्तयाब नहीं है। ये शुरू हुआ था 900 रुपए से, और इस वक्त वो 1800 रुपए में भी आप लेने जाएंगे नहीं मिलता, क्योंकि वो शॉर्ट है। फिर इसके पास थोड़ा सा, फिर इस साल भी कुछ रोका गया है। INC टीम मार्केट्स में सबको बोला भी है कि भाई नहीं बेचे, और एथिकली भी बहुत गलत है। सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान भी तस्लीम करते हैं कि गैस तलब से कम होने की वजह से प्रेशर कम है, मगर बेशतर घरों में गैस न आने का सबब कुछ ऐसे शहरियों की खुदगर्जी है जो अपने घरों में कंप्रेसर लगा लेते हैं। इसके गैस डिवाइस से, कंप्रेशन डिवाइस से हमारे सिस्टम भी बुरी तरह निज़ाम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। हर इलाके में गैस आ रही है, और कुछ को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही, ये बात आपकी दुरुस्त है। गैस शॉर्टेज हो रही थी तो लोगों ने इसको आसान तरीका समझा कि जी मैं एक ऐसी गैस कंप्रेशन डिवाइस जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है जैसे आपने कहा, वो लाऊँ और वो लगा लूँ। अच्छा, उससे हुआ क्या, उस आदमी को तो वक्ती फ़ायदा हो गया जिसने अपने घर में लगाया, लेकिन 6 गली आगे और 6 गली पीछे वालों की तमाम जो गैस की रिक्वायरमेंट थी वो सक करके अपने घर में ले आया। सुई सदरन गैस कंपनी इन कंप्रेसर्स के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई से कुरेजा है, जिसकी वजह से इन कंप्रेसर्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में उन घरों को भी गैस से महरूम कर देगा जहाँ कुछ न कुछ गैस आ जाती है। एक तो ये इलीगल है, इसका कानून मौजूद है, गवर्नमेंट का एक एक्ट है, गैस थेफ्ट एक्ट रिकवरी 2016 का, उसमें क्लियरली इसकी सज़ा लिखी हुई है, जो गैस कंप्रेसर यूज़ करेगा उसको 6 माह तक की कैद और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना है। इसमें 2 पहलू हैं, एक तो ये पहलू कि ये हमारे सुई सदरन गैस कंपनी के डोमेन में नहीं आती, हमारे पास जो लाइसेंस है वो गैस को सेल करने का है, उसके मुतालिक उससे ऊपर जाके कोई इक्विपमेंट अगर सेल हो रहा है मार्केट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि उनके दायरे इख्तियार में आता। मुमताज़ आलमुद्दीन मौलाना कौकब नूरानी ने कहा कि अपना चूल्हा जलाने के लिए पड़ोसियों के चूल्हे ठंडे करने की शरई तौर पर मुमानियत है। वो कंप्रेसर खरीदते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन मैं किसी और का हक मारूं इसकी मुझे इजाज़त नहीं है।
सबका हुकूक बराबर जैसे सड़क है सबके लिए है। अगर किसी हमसाये को हमसे तकलीफ पहुंच रही है तो हम उसके जवाबदेह हैं। कंप्रेसर का इस्तेमाल पड़ोसियों की हक तलफी होने के बावजूद उलेमा का ख्याल है कि इसका वबाल शहरियों से ज्यादा हुकूमत पर है, जिनकी नाअहली ने शहरियों को हमसायों की हक तलफी पर मजबूर किया है। खतरनाक बात यह है कि ये कंप्रेसर्स लगवाने और इस्तेमाल करने वाले भी इनके खतरात से वाकफियत नहीं रखते। सेफ्टी इश्यूज ये है कि गैस आपने इसको ऑन कर लिया, गैस नहीं आ रही हो तो वो एक प्रेशर का एक इशू है कि आपने गैस किसी की ली हुई है, ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, आपने एकदम से चूल्हा जलाया तो वो एक तो ये कि ये इम्पोर्टेड आ रही है हमारे पास, एक लोकल लोग बना रहे हैं, जो लोकल लोग बना रहे हैं इस चीज़ को उसके ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है, बिकॉज वो परफेक्शन में भी नहीं है। ये डिवाइसेस अनाड़ी लोग लगाते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे लगाई जाए, ये ब्लास्ट कर जाती हैं। इन कंप्रेसर्स का इस्तेमाल पड़ोसियों की हक तलफी भी है, गैर शरई भी है और खतरनाक भी है, मगर इसकी खरीदो फरोख और इस्तेमाल पर कोई रोक टोक नहीं है। ये रविश आने वाले दिनों में मजीद घरों के चूल्हे ठंडे करने के साथ साथ हादसात का सबब भी बन सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान, राशिद इशरत और सनाउल्ला के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी ये, और इसी रिपोर्ट में गैस कंपनी के लोग कह रहे थे कि हमारा काम गैस सप्लाई करना है, हालांकि उनकी नॉलेज में सब कुछ होता भी है। ओगरा से जब हमारी बात हुई है तो ओगरा ने बताया है कि गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों की ही जिम्मेदारी है कि वो इंतजामिया के साथ मिलकर क्रैक डाउन करें, इसको रोकने की कोशिश करें। इसी तरह से हमारे पास के इलेक्ट्रिक की भी मिसाल मिलती है कि कुंडों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक खुद कार्रवाई कर रही होती है। बहरहाल जी, आसपास ढूंढिए कि हुकूमत के साथ साथ आपके घर में आपके चूल्हे ठंडे करने में परेशानी का बाइस कौन बन रहा है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।